नमस्कार, एनआई न्यूज के चर्चा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवम और आज का चर्चा का एपिसोड बेहद ही खास है, क्योंकि नेपालियों का जज्बा किसी से भी छिपा नहीं है। चाहे वो नेपाल के बहादुर गोरखा हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले शेरपाज और कई और नेपाली, इनकी बहादुरी और करज को तो दुनिया सराहती है। इसीलिए नेपाली गोरखाओं का भी नाम दुनिया में फेमस है। लेकिन इससे हटके नेपाल की महिलाएं भी बहादुरी और करज में कभी पीछे नहीं हटी हैं, जिसको नेपाल की कई महिलाएं सही साबित करती हैं। और आज महिला दिवस है, यानी कि विमेंस डे। तो नेपाल की कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया को सीख दी है और दुनिया इनका नाम लेते थकती नहीं। इन्होंने कुछ ऐसे सम्मानजनक काम किए हैं जिसके लिए दुनिया इनको सराहती है। इन्हें कई प्रेस्टीजियस अवार्डों से नवाजा गया है, साथ ही इनकी सराहना पूरी दुनिया करती है। और अगर आप नेपाली हैं और इन सात महिलाओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये बहुत ही अटपटा होगा, क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए जानते हैं इन महिलाओं को इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी के साथ, जो कि काफी मोटिवेशनल है। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें 7 नेपाली विमेन हीरो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा लें। शुरुआत में करना चाहूंगा मुस्कान खातून से। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान खातून वो नेपाली महिला है जिन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 आज यानी कि महिला दिवस पर 8 तारीख को मिलेगा। और ये अवार्ड इन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ यानी कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी के थ्रू मिलेगा। ये इवेंट आज 8 मार्च को होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुस्कान खातून नेपाल की वो पहली महिला है जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। और साथ ही साथ ये अपने आप में रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस अवार्ड को किसी ने अभी तक अचीव नहीं किया है। अब आपको मुस्कान खातून की करेज के बारे में बताते हैं जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिल रहा है। दोस्तों, मुस्कान खातून वो नेपाली लड़की है जो खुद एसिड अटैक से पीड़ित है नेपाल में। मुस्कान अभी 17 साल की है और एक छोटी सी उम्र में उन पर एसिड अटैक 15 साल की उम्र में हुआ था, जब उन्होंने एक लड़के के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, जिसके कारण उनके शरीर पर कई बर्न्स हुए, चेहरे से लेकर चेस्ट पर और हाथों पे कई बर्न्स हुए, जिसके बाद उनके जीवन में काफी बड़े बदलाव आए। लेकिन मुस्कान ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत मुहिम चलाई, जिसके बाद उन्होंने अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि एसिड अटैक पर कड़े कानून होने चाहिए, जिसके बाद नेपाल में गवर्नमेंट तक उनकी आवाज पहुंची, एक नया कानून बना और एसिड अटैक को एक बड़े जुर्म के तौर पर रखा गया। और इस कानून के तहत कई बड़ी सजाएं एसिड अटैकर्स को दिए जाने का प्राविधान रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अवार्ड किसी ऐरे गेरे को नहीं मिलता है। ये अवार्ड पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी या फिर विमेन एनवायरमेंट पे काम करने वाले लोगों को ही मिलता है। इसमें मुस्कान ने काफी ज्यादा काम किया विमेन एनवायरमेंट पे और उन्होंने अपने पर्सनल रिस्क और सैक्रिफाइस को रखते हुए इस पर काम किया, और इसीलिए 17 साल की उम्र में उन्हें आज इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये तो बात होगी मुस्कान खातून की। और अब बात करते हैं नेपाल की दूसरी महिला की, जो कि है मीरा राय। शायद आपने उनका नाम सुना होगा। दोस्तों, मीरा राय ने पूरी दुनिया में कई महिलाओं को इंस्पायर किया है और इनकी कहानी अपने आप में बेमिसाल है। आपको ये जरूर सुननी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा मोटिवेशन भी है जो कि आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाए रखने के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, नेपाल की मीरा राय वो महिला है जो कि रनिंग में इंटरनेशनल अवार्ड होल्ड करती है और ये नेपाल के भोजपुर से बिलोंग करती हैं और इन्हें नेपाल में हर कोई जानता है। दोस्तों, जब मीरा 14 साल की थी, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना घर छोड़ेंगी और मॉइस्ट रिबेलियंस को ज्वाइन करेंगी, लेकिन वो माइनर थी यानी कि छोटी थी, इसीलिए उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन उन्हें पार्टली पीस प्रोसेस ज्वाइन किया, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वे घर आई तो उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ करना था, इसीलिए वो घर से निकल के काठमांडू चली गई, जहाँ पर उन्हें अपने कैरियर को बनाना था, जो कि था कराटे और रनिंग। इनकी जर्नी अपने आप में बेमिसाल रही। ये पहाड़ों पर बहुत तेजी से दौड़ सकती हैं और आज माउंटेन्स पर इनसे तेज दौड़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये ज्यादातर अनइवन रास्ते पर होने वाली रेस में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, जब उन्होंने 50 किलोमीटर अल्ट्रा ट्रेल रेस को जीता था।
वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के, ना ही कुछ खाए, ना ही कुछ पिए, ना ही भागने वाले कपड़े पहने, यानी कि आम कपड़ों में। जिसके बाद इनकी मेहनत और इनका नाम हर कोई लेने लगा। आज 29 साल की नेपाल की मीरा राय को दुनिया भर से कई लोग जानते हैं। इन्होंने अपने कंट्री को प्राउड करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल एरिनास के अवार्ड जीते। उनका सबसे मेजर अचीवमेंट जो था वो था बे नेविस अल्ट्रा रेस कंपटीशन, जो कि 2017 में हुआ था। उसमें उन्होंने जीत हासिल की, जो कि ब्रिटेन में हुई और नेपाल का नाम रोशन किया। ये उनका सेकंड अल्ट्रा रेस कंपटीशन था। आप सोच सकते हैं कि सेकंड कंपटीशन में जीत जाना। साथ ही साथ उन्होंने बैरो स्काई नाइट रेस में भी जीत हासिल की। फिर उन्होंने माउंट बैलेंस 80 किलोमीटर की रेस में भी जीत हासिल की। तो लगातार इन्होंने जीत पे जीत बनाई रेसिंग में, वो इनके जज्बे को दिखाता है। और इनका कारवां यही नहीं लिखा, उनकी प्रोफाइल दिखाती है कि उन्होंने वर्ल्ड में कुछ चैलेंजिंग ट्रेल रेस में जीत हासिल की और नेपाल का नाम पावरफुली रखा, साथ ही साथ एक महिला का नाम भी पावरफुली रखा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी दुनिया भर की महिलाओं के लिए। तो ये तो थी मीरा राय। अब बात करेंगे तीसरी नेपाली महिला की, वो है अनुराधा कोइराला। दोस्तों अनुराधा कोइराला एक पावरफुल नेपाली सोशल एक्टिविस्ट है। साथ ही अनुराधा कोइराला एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल आइकन बन चुकी हैं नेपाल और दुनिया के लिए। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओस चलाती हैं, जिसका नाम है मैती नेपाल, जो कि अप्रैल 1993 से चलता आ रहा है। इनकी कहानी भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है। इन्होंने कई जानें बचाई हैं जो कि सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए लड़कियां ले जाई जा रही थी, और साथ ही साथ कई का तो ऐसे शोषण हो रहा था और उनको पता भी नहीं था, तो उन सब की जान इन्होंने बचाई है। साथ ही आपको बता दें कि अनुराधा कोइराला पहले से ही महिलाओं को सशक्त करने पर काम करती रही हैं। उन्हें जब भी रोड पर कोई भीख मांगते हुए महिला दिखती थी तो उन्हें एम्पावर करती थी, वो उनको एक रोजगार मुहैया कराती थी, जिसके जरिए उस महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना वो सिखाती थी। उसके बाद उनके रोजगार से ही कुछ रुपए लेकर वो और महिलाओं को ऐसे ही रोजगार सिखाती थी। यानी कि उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था जिससे वो एक की मदद करने के बाद औरों की मदद करती गई, और ये चेन कभी रुकी नहीं। उन्होंने उनकी ऐसी ही मदद करते करते नेपाल की कई महिलाओं को उनकी माँ मिल गई समझो, और उनको एक सही रास्ता दिखाया। जिसके बाद ऐसे ही काम करते करते अनुराधा कोइराला की मदद बहुत बड़ी हो गई, जिसके बाद उन्होंने अप्रैल 1993 में मैती नेपाल एनजीओ खोला। और उनकी मदद में कई महिलाएं थी जो कि कुछ ना काम करने की वजह से सेक्स ट्रैफिकिंग में फंस गई थी। साथ ही साथ उनके पास कोई काम नहीं था, जिसके चलते वो कई और ऐसी चीजों में फंसती जा रही। लेकिन अनुराधा कोइराला जी ने बहुत सी लोगों को बचाया, इसीलिए उनको माँ का दर्जा मिलता है नेपाल में। कोइराला जी को कई अवार्ड अपने सोशल वर्क्स के लिए मिले हैं। उन्हें नेपाल में बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला 1998 में। साथ ही साथ प्रबल गोरखा दक्षिण बहु मेडल भी 1999 में नेपाल में मिला। त्रिशक्ति पत्ता अवार्ड 2002 में मिला। साथ ही साथ उन्हें इंटरनेशनली भी काफी अवार्ड मिले, जिसमें CNN हीरो अवार्ड 2010 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में उन्हें दिया गया उनके काम के लिए। उन्होंने नेपाल को प्राउड किया बाय होल्डिंग मदर टेरेसा अवार्ड 2014 और आचार्य तुलसी कर्तव्य पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया 2014 में। साथ ही उन्हें इंडिया की फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया और गॉड अवार्ड 2018 से भी नवाजा गया। यानी इनके अवार्ड की लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके काम भी बहुत बड़े हैं, जिसमें उनकी करेज, पावर और पूरी जिंदगी लगा दी। इसीलिए वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वुमेन की, जो कभी न रुकने थकने वाली महिला है, और इसीलिए इनका नाम आज लेना काफी जरूरी है, इनसे मोटिवेशन लेना बेहद ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं चौथी महिला की। चौथी महिला है पसंग लामू शेर्पा। नेपाल की नेशनल हीरो पसंग लामू शेर्पा वो नेपाली महिला है जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। साथ ही वो दुनिया की सेकेंड ऐसी महिला है जिन्होंने अपने ड्रीम को सक्सेस में कन्वर्ट किया, जो कि था वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। उनका हमेशा से सपना रहा था कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करें, और उसके लिए उन्होंने कई अटेम्प्ट्स भी किए। अपने फोर्थ अटेम्प्ट में वो कामयाब रही और उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी जान भी इसी में गवा दी, क्योंकि जब वे नीचे उतर रही थी तब मौसम बेहद ही खराब था, और उसी में उन्होंने शहादत प्राप्त की। लेकिन आज भी उन्हें याद रखा जाता उनके जज्बे के लिए, जो कि बेहद बड़ी बात है, और वो
दुनिया में करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन के तौर पर आज भी याद की जाती है। और अब बात करते हैं पांचवी महिला की, जो कि है फुफु लामु खत्री। इनको जुडोका खत्री नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नेपाल में सेकंड गोल्ड मेडल फीमेल जूडो में 2016 में साउथ एशियन गेम्स में हासिल किया और नेपाल का नाम रोशन किया। ये वो नेपाली महिला जिन्होंने जूडो में एक बड़ी महारत हासिल की। 21 साल की कम उम्र में उन्होंने फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड NSJF अवार्ड भी जीता। साथ ही उन्होंने सिल्वर मेडल रैंकिंग होल्ड की हांगकांग 2015 में, ब्रॉन्ज मेडल होल्ड किया JAU जूनियर चैंपियनशिप मोरक्को 2012 में, साथ ही साथ गोल्ड मेडल हासिल किया SAG 2012 में। तो उनकी जूडो से लेकर मेडल की लिस्ट कभी रुकी नहीं और उन्होंने बहुत नाम किया नेपाल का भी कई कॉम्पिटिशन में, नेशनल और इंटरनेशनल में, और नाम हासिल किया। और वो नेपाल के एक छोटे से गांव जो कि लीलिप तप्लीचुंग है, वहां से हैं। इनके फादर ट्रैकिंग एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने 2015 में अपनी जान एवरेस्ट एवलांच में गवा दी, जिसके बाद जुडोका खतरे के लिए उनका जीवन और कठिन हो गया। लेकिन उन्होंने सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए अपनी करेज दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और दुनिया में नाम कमाया। और आज उसी के कारण खत्री को लोग जानते हैं। साथ ही साथ खत्री एक ग्रेट सोशल वर्कर भी हैं। वो अपनी कम्युनिटी को बेटर करने के लिए भी काम करती रहती हैं और सड़क पे रह रहे बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए वो बहुत ज्यादा सोचती हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया इनका सम्मान करती है उनकी मेहनत के लिए और इनका नाम कभी भी नेपाल के पन्ने से हट नहीं सकता। अब जो छठी महिला है वो है सपना रोका मगर। जी हाँ, सपना रोका मगर वही नेपाली महिला है जिन्होंने BBC 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर वुमेन में अपनी जगह बनाई। सपना रोका मगर वो नेपाली महिला है जो कि लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार देती है। वो लॉफुल तरीके से अंतिम संस्कार करती है, वो भी किसी अपने की तरह। जो कि दुनिया की 100 प्रभावशाली महिला थी उसमें सपना रोका मगर ने अपना नाम रखा। आज के दौर पर सपना रोका मगर अपनी एक NGO चलाती है, जिसके जरिए आज भी वो 40 या 50 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने अंतिम संस्कार आज तक दिया है, जो कि एक बड़ी बात है। और वो कहती हैं कि उन लावारिस लाशों का भी हक बनता है कि उनका कोई अंतिम संस्कार करे। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच और उनका जज्बा उनको बनाता है नेपाल की और दुनिया की टॉप मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन के लिस्ट में। तो ये थी सपना रोका मगर। और अब जो सातवीं और आखिरी महिला जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पुष्पा बसनेट। दोस्तों, पुष्पा बसनेट नेपाल की एक सोशल वर्कर हैं। वो फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ECDC, जो कि 2005 में फॉर्म हुआ था। वो अपनी टीम के साथ उन बच्चों के लिए काम करती हैं जिनके माता पिता या तो जेल में हैं या तो जेल में ही बच्चों को पाल रहे हैं। तो उन बच्चों के राइट्स के लिए ये काम करती हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक चांस देती है, कई हजारों बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देती है। इनके काम की वजह से ही इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि विदेशों में भी इनका नाम हुआ। बसनेट को CNN हीरो ऑफ द ईयर 2012 में नवाजा गया अवार्ड के साथ, जिसके लिए उन्हें बच्चों के लिए डेडिकेटेड वर्क के लिए अवार्ड मिला। आपको बता दें कि उन्होंने अपना काम 21 साल की उम्र में शुरू किया था, जिसमें बच्चों को केयर, स्कूल में उनका नाम लिखाना, फ्री में खाना खिलाना, मेडिकल केयर से लेकर तमाम सुविधाएं तक दी। बसनेट ने अपना पोटेंशियल दिखाया जो कि समाज के प्रति था, बच्चों के प्रति था, जिसके लिए दुनिया उन्हें भुला नहीं पाएगी और उनकी स्ट्रेंथ और उनके काम के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग करके कहीं ना कहीं लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया और इसीलिए इनको सैल्यूट बनता है। तो कैसी लगी आपको ये 7 देवियां या फिर 7 महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं नेपाल का नाम तो रोशन करती करती हैं, लेकिन महिलाओं का नाम भी ऊंचा करती हैं। और आज विमेंस डे है तो इन महिलाओं को तो पूजना बनता है और इनको आज के दिन याद करना तो बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर करें ताकि इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को हम उनकी लाइफ तक भी ले जाएं और लोगों को इंस्पायर करें इनकी लाइफ से। वैसे सभी महिलाओं का काम प्रशंसनीय है, लेकिन आपको सबसे अच्छा काम किस महिला का लगा कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें 7 नेपाली विमेन हीरो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। NI News।